हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी नहा धोकर मैं रेडी हो चुका हूँ और काफ़ी लेट हो चुका है। अभी बज रहा है दोपहर के 2:17। नितेश और मामा तो अभी नहीं गए हैं, अभी सब हैं बगल में इधर। तो हम लोग अभी रास्ते में मतलब वीडियो को स्टार्ट किए हैं रुक करके, और काफ़ी स्मार्ट लग रहा है मतलब। तो अभी लेट से नहा धोए हैं और चलिए चलते हैं, आज फिर से बलरामपुर चलेंगे। और एक जगह है ताता पानी, अगर जाएंगे तो आपको ताता पानी का दर्शन भी करा सकते हैं। वहाँ शिव भगवान का मूर्ति वूर्ति है, काफी बड़ा मूर्ति है शिव भगवान का। तो चलिए देखते रहिए वीडियो में। दोस्तों, बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका था, तो अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप में और पेट्रोल वेट्रोल भरवाते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो भर चुका है पेट्रोल, चलिए तो चलिए कुछ खाते पीते हैं, अभी काफी भूख लगा है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोनू पानीपुरी एंड चाट सेंटर, यहाँ से गोलगप्पा खाते हैं। भाई कह रहा है चैलेंज करेंगे, ये आपको चांदो मोड़ के सामने पड़ेगा। और इधर बन रहा है देखिए चाट वाट, तो हम लोग को पानीपुरी खाना है। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि वीडियो बना रहा है क्या चीज़ का। तो चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, फटाफट खाते हैं चलो। इधर जो है शुरू हो चुका है, नितेश और मामा खा रहे हैं अभी। मेरे हाथ में तो कैमरा है, तो बाद में मैं खाऊंगा। चलो खा के फिर मिलता हूँ आपसे, फटाफट खाता हूँ, ठीक है। इसके बाद अभी ताता पानी चलना है हम लोग को। दोस्तों, हम आ चुके हैं ताता पानी में और ये है यहाँ का कुछ इस प्रकार का गेट, दो ठे गेट है। तो चलिए हम इंटर करते हैं ताता पानी में, और इधर दुकान उकान है। और इधर बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, वो देखिए दिखाई दे रहा होगा शिव भगवान का मूर्ति बड़ा सा पीछे। चलिए आप लोग दिखाते हैं सामने से। और इधर जो है अभी से ही काफ़ी भीड़ हो चुका है, मकर संक्रांति का अभी जो है समय आने वाला है। और इधर लोग नहा रहे हैं, देखो यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है ना, इसलिए अभी से ही मतलब लोग दिन भर इधर नहाते रहते हैं। और इधर है तालाब बोटिंग वोटिंग करने के लिए, मेला के समय में इधर काफ़ी मस्त मज़ा आता है बोटिंग करने में। मेला लगेगा मकर संक्रांति में, फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको एक बार। आएंगे तो क्या आप लगता है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया है, अब चलते हैं अंदर। यह है गेट, और इधर है तालाब, दो ठे तालाब है सामने, छोटे बड़े कई सारे तालाब हैं यहाँ पर, तकरीबन 6-7 तालाब है इधर छोटा बड़ा करके। दोस्तों, इधर है होटल, होटल अगर नाश्ता वास्ता करना हो तो, और अगर नारियल अगरबत्ती जो भी लेना हो आपको सामान वामान, तो दुकान से ले सकते हैं। और ये देखिए शिव का मंदिर है बड़ा सा, और सामने में है एक तालाब, और उधर है मंदिर। काफ़ी अच्छा इधर मतलब लोकेशन है। काफ़ी ऊंचा मंदिर है शिव भगवान का। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं का लोकेशन। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी ताता पानी में, और यहाँ आप लोगों को बता दूं कि मकर संक्रांति के समय में काफी भीड़ रहता है। अभी तो उतना ज्यादा नहीं है, मतलब मकर संक्रांति में ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, आसपास के लोग आते हैं इधर श्रद्धालु, और
ये आपको पड़ेगा बलरामपुर के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तातापानी मंदिर, शिव भगवान के नाम से मतलब प्रसिद्ध है। और यहाँ का एक दर्शनीय स्थल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 12 मास गर्म पानी निकलते रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर में, चलिए इधर से आपको नज़ारा दिखाते हैं। कुछ नीचे खेल रहे हैं बच्चे लोग, बच्चे लोगों का खेलने के लिए सारा सामान है, झूला उला है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार का सीन दिखता है, चलिए आप लोग दिखाते हैं। काफी लंबा चौड़ा है, और अभी मैं नितेश लोग को खोज रहा हूँ। इधर है नितेश लोग, मछली उछली देख रहे हैं, मेरे को अकेले छोड़ के घूम रहे हैं दोनों इधर। दोस्तों ये है मंदिर जो कि पहले का है, बाद में वो जो पीछे दिख रहा है आपको बाद में बना है, और पहले का जो मंदिर है ये है, इसी में पहले पूजा वूजा होता था। और वो जो मूर्ति बना है बहुत बड़ा सा, वो पीछे बना है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं गर्म जल। देखिए देखिए इस टाइप के कुंड आपको यहाँ 100-200 मिल जाएंगे, और सब में गर्म पानी हमेशा मिलेगा आपको 24 घंटा और 12 महीने। ये देखिए धुआं निकल रहा है पूरा, तो गर्म जल के नाम से फेमस है तथा पानी। तो चलिए आप लोगों को मंदिर का दर्शन करवाते हैं। इधर शेर है इधर, और इधर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सी मूर्ति है, लेकिन बहुत सी मूर्तियाँ हैं इधर लाइन से देख सकते हैं आप। और एक शेर इधर भी है, और ये है मुख्य मंदिर। देखिए आप लोग यहीं से आप लोग दर्शन कर लीजिए, श्री तपेश्वर महादेव धाम तातापानी। कि आप लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिए होंगे, और आप लोगों में दिखा दिया तातापानी तपेश्वर धाम। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, बाकी आप लोग अगर दर्शन वर्शन कर लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई वीडियो बनाने के लिए, तो अभी हम तातापानी से चलते हैं। चलिए भाई लोग तो पिछला व्लॉग देख रहे हैं बढ़िया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लो पिछला व्लॉग मेरा, बहुत मज़ेदार है। डेली व्लॉगिंग करता हूँ मैं, इसी प्रकार का व्लॉग आप लोगों को डेली देखने के लिए मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार रात हो चुका है हम लोग को आते आते, और नितेश अभी हम लोगों को छोड़ के कहीं चला गया है मतलब कुछ काम से, और हम लोग पैदल पैदल अभी चल रहे हैं रोड में रात को, तो काफ़ी ठंड लग रहा है। अभी फटाफट चलते हैं रूम, अभी थोड़ा देर मतलब घूमेंगे इधर रोड में, उसके बाद जाके रूम में फिर सो जाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, कल जो है वीडियो एडिट नहीं हो पाया शाम को, तो अभी मॉर्निंग में हम लोग आए हैं नाश्ता वास्ता करने होटल साइड, और इधर जो है मामा अभी चाय पी रहे हैं, इधर जो है गर्मा गर्म समोसा निकल रहा है, अभी समोसा खाएंगे, एक अच्छा लगाइएगा ना समोसा। और छोला भटूरा का भी वेटिंग चल रहा है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ समोसे का। छोला भटूरा भी ऑर्डर किया है तो उसमें लेट है थोड़ा सा। ये हमारा समोसा निकल रहा है अभी, देखिए इसमें चटनी डाला जा रहा है,
तो आ चुका है अपना समोसा और खाते हैं, और इधर आ चुका है अभी देखिए छोला और भटूरा, मामा और मैं दोनों जन भी खाते हैं। 2000 years later. तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और मैंने ताता पानी आप लोगों को दिखा दिया इस वीडियो में, और एडिट करने में काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए आज है दूसरा दिन है आज, तो वीडियो वीडियो एडिट हो चुका है अभी। तो चलिए अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कर दो लाइक, और शेयर वर कर देना दोस्तों के साथ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।